Good morning, how are you? I hope you all will be fine there. Students, as you all know, we were studying the chapter resources, which is our first chapter in geography. Students, we had known about natural resources, in which we had studied many types of resources. वेयर यू हैड नोन अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेस पोटेंशियल रिसोर्स एंड मैनी अदर रिसोर्सिस बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड बायोटिक अबायोटिक रिनबल नॉन रेनोएबल एटसेट्रा यू हैड नोन अबाउट यूबिकटस एंड लोकलाइज रिसोर्स एज वेल बच्चों हमने पिछले वीडियो में आपको नेचुरल रिसोर्सेस से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको समझा दी थी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम इनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं उसके अलावा ओरिजिन के बेस पे कैसे इनको डिवाइड करते हैं बायोटिक अबायोटिक क्या होता है रिनीबल नॉन रिनीबल क्या होता है बच्चों करना क्या है आपको आपको ये चीज़ें लर्न कर लेनी है Heading, लर्न होनी चाहिए आपको पहले तो कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए कि किसके बेस पर कौन सा कैटेगरी बनती है उसके बाद आपको इनकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल जरूर लर्न होने चाहिए जैसे आपसे पूछ सकता है कि गिव मी टू एग्जाम्पल ऑफ आबायोटिक रिसोर्स या फिर वाट आर रिनेवेबल रिसोर्स या फिर गिव मी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉन रिनेबल रिसोर्स देन यू मस्ट नो वाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिनेबल रिसोर्स यू हैव टू राइट टू और थ्री examples of non renewable resources and that you can write only if you know about non renewable resources if you don't know how would you uh, write okay so it is necessary to know about all the resources which i have explained bachcho dhyan se dekhiye aaj hum log padhenge मैं human-made resource के बारे में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में human मेड human-made resource क्या होता है बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं रिसोर्स होते क्या है रिसोर्सेस आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड एन सेटिस्फाई आवर नीड्स ठीक है रिसोर्सेस वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास, हमारे नेबर में Uh, मौजूद हैं अवेलेबल हैं और हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हैं वही रिसोर्सेस होती हैं बच्चों हमारे आसपास में हर एक चीज़ हर एक वो चीज़ जिससे हमारे ज़रूरत पूरी हो जाए वो रिसोर्स होता है और नेचुरल रिसोर्स में भी बहुत सारी जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं उनमें भी मैंने कैटेगराइज आपको बताया कि बायोटिक क्या होता है एंटी आ, उसके अलावा अबयोटिक क्या होता है ठीक है ना बच्चों कल आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ें बायोस्फीयर में पाई जाती हैं यानी जहाँ पर हम निवास करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों बायोस्फीयर होता है जहाँ पर तीनों स्फेयर यानी लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर तीनों पाए जाते हो जहाँ पर हवा भी हो पानी भी हो लैंड भी हो ऐसे एरिया को बायोस्फेयर बोलते हैं और बायोस्फेयर में ही तो हम लोग रहते हैं तो बायोस्फेयर में पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं और ऐसे प्रजाति जो बायोस्फेयर में मैं पाए भी जाते हों लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स हों तो उनको आबायोटिक बोलते हैं यानी लिविंग थिंग्स बायोटिक हैं नॉन लिविंग थिंग्स आबायोटिक हैं तो ऐसे में आप वो दो रिसोर्स याद कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है बच्चों जिनको दोबारा से रिन्यू करके यूज में लाया जा सकता है दोबारा से रिन्यू करके उनको यूज में लाया जा सकता है जैसे कि वाटर हो गया बच्चों और ऐसे रिसोर्सेस uh, जिनको दोबारा से नया नहीं कर सकते हम नया बनाकर उनका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते ऐसे में उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं जैसे कि आपका क्या बच्चों मान लीजिए कोई मेटल है ठीक है मेटल तो, तो नहीं कह सकते आयरन ओर ले लीजिए जैसे आयरन ओर तो आयरन ओर क्या होता है बच्चों और जो होता है वो एक ही बार आता है ना और जो होता है आयरन देखो अलग है आयरन और अलग है और क्या होता है जो अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में पाया जाता है जहाँ से शुरुआत होती है आयरन की तो और जो होता है बच्चों वहीं से निकाला जाता है आयरन तो और तो एक ही बार होता है उसके बाद उसको साफ़ करके आयरन बना देते हैं तो देखिए आयरन और तो नॉन रिनेबल हो गया लेकिन आयरन जो होगा वो रिनेबल हो जाएगा आयरन को बार बार आप नया बना के उसका यूज़ करते रहिए तो आयरन तो रिनेबल हो गया लेकिन आयरन और जो है, हो गया नॉन रिनेबल हो गया उसके अलावा बच्चों पेट्रोलियम ये नॉन रिनल है पेट्रोलियम डीजल ये सारे क्या हैं नॉन रिनीबल हैं यानी एक ही बार यूज में आ सकते हैं उसके अलावा ये दोबारा यूज में नहीं आ सकते उसके अलावा आपने और भी क्या पढ़ा था बच्चों आपने जाना था उसके अलावा आपने और भी चीज़ें जानी थी जैसे कि आपने समझा था कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए बच्चों यूबिकटस और लोकलाइज क्या होता है ठीक है अब बच्चों जो चीज़ें हर जगह पाई जाती हों जैसे कि हवा हो ठीक है पानी हो जो हर जगह मौजूद हो ठीक है हर जगह मौजूद हो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों यूबिकटस बोलते हैं यूबिकटस ठीक है और जो कहीं कहीं पाई जाती हूँ किसी खास खास जगहों पर पाई जाती हूँ उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्स बोलते हैं तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया था बच्चों आप देखिए ह्यूमन मिड रिसोर्स की बात करें तो हमने आपको बताया कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्स हैं अब उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं को मॉडिफाई करके कई रिसोर्स को एक साथ यूज करके हम लोग क्या करें उनको एक रिसोर्स बना दें ठीक है यानी जो पहले से यहाँ पर धरती पर मौजूद है उनको हम और इस तरह से बना दें कि वो प्रयोग में आना शुरू हो जाए तो वही क्या कहलाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाती हैं मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज़ नहीं था और हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया जैसे बच्चों मैं बात करूँ सॉयल की तो सोयल तो नेचुरल रिसोर्स था लेकिन हमने उसको क्या किया ब्रिक बना दिया क्या बना दिया ब्रिक तो ब्रिक जो होगा बच्चों सॉयल तो नेचुरल रिसोर्स था लेकिन इसका यूज करके नेचुरल रिसोर्स का यूज करके हमने ब्रिक बनाया तो ब्रिक क्या हो जाएगा बच्चों ये मैन मेड रिसोर्स हो जाएगा होगा कि नहीं क्यों क्योंकि इसको इंसान द्वारा बनाया गया है और ये रिसोर्स हो गया ब्रिक तो रिसोर्स है ही क्योंकि ये हमारी जरूरतों को पूरी करता है घर वगैरह बनाने में काम में आता है तो ब्रिक क्या हो गया मैन मेड रिसोर्स हो गया जबकि सॉयल जो था वो नेचुरल uh, रिसोर्स था तो बच्चों नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके उनमें कुछ और भी चीज़ें क्रिएट uh, करके या उनको अलग तरीके से टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं मैन मेड रिसो चीजें बनाते हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हैं वो कहलाती हैं है, मैन ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स ठीक है बच्चों तो इसमें ज़्यादा समझने की बात थी नहीं आपको बता दिया आपको मैं नोट्स भी बनवा चुका हूँ उसको आप ध्यान देंगे अब बच्चों एक आता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स देखिए बच्चों ह्यूमन रिसोर्स पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोज वन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोजी टू डू सो ठीक है देखिए बच्चों ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो हम लोग हैं यानी इंसान क्या होता है वही ह्यूमन रिसोर्स है बस आप याद रखिएगा जो व्यक्ति है ह्यूमन है उसको ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है बस इतना आप याद रखिएगा तीन टाइप के हैं नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा खुद इंसान यानी कि ह्यूमन जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं बस इतना ही आपको याद रखना है बच्चों उसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में देंगे जब तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे लेट्स टू यानी कि एक्टिविटी है आपके लिए ये आप खुद से करेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ फाइव ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू आपको लिस्ट बनाना है फाइव ह्यूमन मेड रिसोर्स के पांच ऐसे रिसोर्स के जो ह्यूमन मेड है इंसानों इंसानों द्वारा बनाए गए हैं ह्यूमन बींग द्वारा बनाए गए हैं ऐसे आप लिस्ट बना के आप मुझको सेंड करेंगे ये आपका होमवर्क है बच्चों अभी और भी होमवर्क मैं आपको देता रहूँगा आप ध्यान से देखते रहें वीडियो देखिए बच्चों डू यू you नो know, क्या आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज एंड ऑफ द पीपल जो ह्यूमन रिसोर्स होता है बच्चों जो व्यक्ति होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और एबिलिटी यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति क्या है ये इस पर डिपेंड करता है ठीक है ना तो ये भी आप याद रखें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्स कैसे बनता है हमारी क्वांटिटी पर बनता है साथ में क्वालिटी पर भी बनता है यानी हमारी जो एबिलिटी है जो सोचने समझने की शक्ति है इस पर भी बनता है हालांकि जो हमारे विचार हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कह रहा है कि हाँ जो इंसान होता है उसके अंदर ये शक्ति होती है सोचने की समझने की जो हमको एक क्या बनाता है वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है भाई हमारे अंदर अगर सोचने समझने की कैपेबिलिटी uh, नहीं होती बच्चों अगर uh, ये पावर नहीं होती इफ वी वर इफ वी वर इफ वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू थिंक ऑफ एनी थिंग इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट रिक्रिएट एनी थिंग है ना अगर हमारे अंदर सोचने की समझने की शक्ति नहीं होती <coughs> तो हम किसी भी चीज़ को निर्माण ना कर पाते तो वो नेचुरल रिसोर्स नेचुरल ही रह जाता तरक्की ना कर पाता बच्चों है ना जो चीज़ हमें नेचर द्वारा मिलती बस उसी को हम लेते उसी को एक्सेप्ट कर सकते थे बस लेकिन इंसान क्या हुआ धीरे धीरे तरक्की करता गया डेवलप करता गया और धीरे धीरे उसने नेचुरल रिसोर्सेज को और भी मॉडिफाई किया और देखिए बिल्डिंग वगैरह बनाया उसने रोड्स बनाई ठीक है कंस्ट्रक्शन किए वो सारी चीज़ें क्या है मैन मेड हो गई तो जैसे जैसे मैन ग्रो करता रहा उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी उसके सोचने समझने की थिंकिंग पावर है ना कैपेबिलिटी जो उसके अंदर थी उसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है हमारे अंदर जो थिंकिंग है या हमारे अंदर जो हमारे भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं करने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया बच्चों और हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या होती हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होती हैं और जो नेचुरली पाई जाती हैं वो नेचुरल रिसोर्स होती हैं तीन तरह के रिसोर्सेस हैं ठीक है ना बच्चों आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई बच्चों एक और चीज़ देखिए आप लोग यहाँ पर ये आप लोग ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं ये आपके लिए है आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चों देखिए कंजर्विंग रिसोर्स क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें कंजर्विंग रिसोर्स क्या होता है बच्चों यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे होंगे देर इज़ अ गर्ल स्लीपिंग ठीक है एक लड़की है जो कि स्लीप कर रही है और उसके अगल बगल आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं ठीक है यहाँ पे एक एक एनिमल भी है, इसके सूज है उसके सूज हैं उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बोन्स हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे वो देखिए सीज आई थिंक सी इज़ अ ऑफ समथिंग डर ही लग रही है वही हाल सिमिलर इज़ द केस विद द एनिमल आल्सो ठीक है उस वही सेम केस जो है वो बिल्ली के साथ भी हो रखा है ऐसे में क्या होता है बच्चों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कंजर्विंग अगर हम लोग अपने जो आस जितनी भी चीज़ें हैं रिसोर्सेस हैं उनको अगर बचाएँगे नहीं हम लोग क्या नहीं करेंगे बचाएंगे नहीं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों अगर हम लोग अपने आसपास के रिसोर्स को जो संसाधन जो भगवान ने यानी ऊपर वाले ने या कुदरत ने नेचर ने हमको दिया है अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे कंजर्व मतलब होता है सेव नहीं करेंगे बचाएंगे नहीं फ्यूचर के लिए तो हमारा भी हाल कुछ इसी तरीके से होने वाला है देखिए बच्चों ठीक है मान लीजिए आज के टाइम पर एग्जाम्पल देते हैं पेट्रोल का पेट्रोल जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है यानी कि बस बहुत ही कम बचा हुआ लिमिटेड है ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से ये नया नहीं हो सकता तो ऐसे टाइम पे क्या होगा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम लोग जो व्हीकल्स है उसको ड्राइव नहीं कर सकेंगे सारी चीज़ें रुक जाएंगी बच्चों केवल बाइक या व्हीकल्स की तक ही नहीं सीमित है पेट्रोल से बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो और बहुत सारी चीज़ों में लगते हैं मशीनरीज में यूज़ किए जाते हैं तो ऐसे में जिस दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा चीज़ें रुक जाएंगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि हम रिसोर्स तो कंज़र्व नहीं करते हैं बचाने की कोशिश नहीं करते हैं उनको यूज लगातार लिए जा रहे हैं और गलत तरीके से लिए जा रहे हैं ये तो बच्चों वाटर पेट्रोलियम हो गया उसके अलावा वाटर वाटर भी रिसोर्स है और उसको हम लोग कंजर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करते उसको वेस्ट करते हैं ऐसे में वाटर ड्रिंकिंग वाटर क्या है एक एक बच्चों लिमिटेड रिसोर्स है ना लिमिटेड रिसोर्स है नॉन रिनेबल रिसोर्स है यानी कि उसको दोबारा नया नहीं कर सकते जो ड्रिंकिंग वाटर है ऐसे में उसको भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चों बताइए ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो हम पे कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी तो ऐसे में क्या ज़रूरी है ज़रूरी ये है कि हम लोग रिसोर्सेज़ जो हमारे आसपास पास हैं उनको सेव करके रखें कंजर्व करें जितना यूज हो उतना ही करें उससे ज़्यादा यूज़ ना करें यानी हम अवेयर रहें चीज़ों को लेकर कि हमारे जो हमें दिया है नेचर ने या हमने ख़ुद बनाया है उसको उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है बच्चों ठीक है ना महात्मा गांधी जी ने एक एक सेंटेंस कहा था बच्चों द एन्वायरमेंट हैज़ गिवन एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड बट नॉट अकॉर्डिंग टू आवर ग्रीड ठीक है यानी जो एट इन्वायरमेंट है उसने हमें इतना दिया है कि हमारी ज़रूरत जरूरत पूरी हो सके ना कि हमारी लालच लालच के लिए पूरा करेंगे तो नहीं हो पाएगा कभी उतनी पूरी कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है रिसोर्सेज तो बच्चों कंजरव कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का यही मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज़ हैं उनको हम बचाएँ ताकि आगे यूज में अच्छे से उनको बेहतर तरीके से ले सकें तो देखिए बच्चों आपसे कोई पूछे कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है तो देखिए दिया हुआ है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली रिसोर्सेज का बहुत सावधानी से प्रयोग में लाना और उनको लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना ताकि दोबारा से उनको दोबारा से हम लोग रिन्यू करा सकें वही कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन यानी सुरक्षित बचाए रखना ताकि लाइफ में उसका दोबारा से प्रयोग हम लोग कर सकें लंबे समय तक कर सकें और हमारा जीवन जो है खतरे में ना आए उसको बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन ठीक है ये याद रखिएगा बच्चों दूसरा टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है देखिए बच्चों जो रिसोर्स है उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों बैलेंस का मतलब क्या है कि यानी उसको उतना ही यूज करें जितना ज़रूरत है हम लोग ठीक है बैलेंस बना के चल रहे हैं हम लोग तो यही बैलेंस बना के चलना ही ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर सकें किसी भी रिसोर्स को बैलेंस बना के चलना ताकि उसका फ्यूचर में सही से यूज कर सकें वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आगे के बारे में सोचना ठीक है जैसे मान लीजिए आज, आज आप एक लीटर पेट्रोल डला के आए अपने बाइक में तो आपने क्या किया बच्चों उसको बहुत सावधानी से कुछ दूर चलाया और फिर रोक दिया बेवजह उसको यूज़ नहीं किया ताकि आपको पता है कि कल को ये मुझे काम देगा जो बचा हुआ है मेरे बाइक में तो आपने क्या किया आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया यानी आपने फ्यूचर के बारे में सोचा रिसोर्स के बारे में सोचा और साथ में फ़्यूचर के बारे में सोचा कि फ्यूचर में मुझे इससे नुकसान नहीं होगा फ़ायदा मिलेगा तो ये क्या हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया आपने दोनों एक साथ किया आपने रिसोर्सेस कंजर्वेशन भी किया रिसोर्स को बचाया भी साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हुआ आपका ठीक है तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गए यानी हम जब भी किसी रिसोर्स को बचा कर रखें सावधानी से उसका प्रयोग करें वो कंजर्वे वो हो जाएगा आपका रिसोर्सेस कंजर्वेशन और अगर उसी रिसोर्स कंजर्वेशन को बचा के रखें ताकि फ्यूचर में हम और अच्छे तरीके से उनका यूज़ कर सकें फ्यूचर के बारे में सोच सकें तो वो क्या हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों ये दो टर्म आप लोग याद रखेंगे हमेशा ठीक है ना तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे बच्चों समझ के लर्न कर लेंगे ठीक है आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई देखिए बच्चों कुछ यहाँ पे यहाँ पे एक टर्म दिया गया ग्लॉसरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन दी गई है देखो बच्चों जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो डेट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका अच्छे से यूज करना सावधानी पूर्वक यूज करना ताकि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में आने वाली जनरेशन जो होगी हमारी जो पीढ़ी होगी उनको भी दिक्कत ना होने पाए उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए कुछ उसके नियम हैं कानून हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो क्या है जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जितनी भी जिंदगी जीवन यहाँ पर मौजूद है उनको रिस्पेक्ट कीजिए आप हर कोई जीवन जरूरी है जैसे बच्चों कुछ लोग इस स्नैक्स को मार देते हैं या फिर कुछ एंट्स वगैरह को या फिर दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को हम लोग क्या करते हैं मार देते हैं दैट इज़ नॉट गुड वो हमारे एन्वायरमेंट फ्रेंड है ठीक है वो हमारे क्या है एन्वायरमेंट फ्रेंड है हमारे एनवायरमेंट में उनका होना ज़रूरी है अगर आप उनको मार देंगे बच्चों तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है आगे आने वाले टाइम पर इसीलिए हर एक एनिमल क्या है हमारा एन्वायरमेंट फ्रेंड है ठीक है इको फ्रेंड है हमारा वो हमारे एनवायरमेंट में हमारी हेल्प करने के लिए है इसीलिए बच्चों नेवर किल एन एनिमल किसी भी एनिमल को मारिए नहीं ना ही केवल एनिमल बल्कि किसी भी लिविंग क्रिएचर को नहीं मारिए उनकी रिस्पेक्ट कीजिए देखिए दूसरा बच्चों इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हमेशा जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं उनको इम्प्रूव कीजिए किसी भी चीज़ को वेस्ट मत कीजिए बच्चों बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को बैलेंस करके चलें जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज करें तीसरा है कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी जो बच्चों अर्थ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके की तमाम चीज़ें मौजूद हैं उनको क्या करिए कंजर्व करिए बचा के रखिए बहुत ज़रूरी है फिर है बच्चों मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स की जो कमी आ रही है उनको कम कीजिए यानी उनमें कमी ना आने पाए पेड़ पौधे हैं बच्चों आप देखिए प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं लगातार कट हो रहा है उनको रोकिए उनको रोकना बहुत जरूरी है डिफॉरेस्टेशन जिसमें आता है उसको बहुत रोकना जरूरी है वाटर को वेस्ट कर रहे हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है वाटर को कंजर्व करना सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें क्या है यानी जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि खत्म ना होने पाए फिर अगला बच्चों चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द एन्वायरमेंट आप अपने एन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाए बच्चों समझें कि हाँ आप कितनी ज़रूरत है आपको आपके इन्वायरमेंट की है ना अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी अपने इन्वायरमेंट को समझें उसको अच्छा बना कर रखें हमेशा खुशहाल बना कर रखें बच्चों फिर देखिए इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट आप लोगों को जागरूक कीजिए कम्युनिटीज़ को जागरूक कीजिए बताइए कि आप अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा स्वयं करें कोई और करने के लिए नहीं आएगा ठीक है इतनी चीज़ें बातें आपको याद रखनी है और याद होनी चाहिए बच्चों अगर हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो कौन समझने आएगा आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ जो आपको करना है होमवर्क है देखिए बच्चों वाई आर resources डिस्ट्रीब्यूटेड अन एकवली ओवर द होती है पहला क्वेश्चन है आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे अर्थ पर एक तरीके से क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए यानी उनको बराबर बराबर क्यों नहीं बांटा गया क्यों अलग अलग तरीके से बांटा गया क्यों किसी को कम मिला तो किसी को ज्यादा मिला या किसी की मात्रा कम है तो किसी की मात्रा ज़्यादा क्यों है ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं बराबर रूप से है जैसे मान लीजिए मैंने गोल्ड और वाटर की बात की थी क्यों वाटर इतना ज्यादा है गोल्ड इतना कम या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं क्यों पेट्रोल इतना कम है और वाटर या सॉइल इतना ज़्यादा है क्यों है बच्चों ऐसा क्यों बराबर बराबर क्यों नहीं बांटा गया ठीक है क्यों ऐसी वजह होती है इसको आप बताएंगे दूसरा है वाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन अभी मैंने आपको बताया रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया ये आप लिखेंगे और होमवर्क आपका है आप इसको पहले मुझे इसको आप सर्च करके अपने बुक से मुझे आप होमवर्क ये आपका होमवर्क है बच्चों जो भी दे रहा हूँ मैं आप इसको रफ कॉपी में करके मुझे देंगे पहले फिर फिर मैं आपसे फेयर में करने के लिए मैं आपको नोट्स कैंपस पर अपलोड करूंगा देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों क्यों जरूरी है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो जरूरी क्यों है इस एनवायरमेंट के लिए इस इस वर्ल्ड के लिए क्यों जरूरी है हम लोग व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले चीज़ें समझा दी हैं तो ये आप लोग खुद से करके मुझे सेंड करेंगे होमवर्क बच्चों देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती यूटिलिटी मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस को अगर रिसोर्स बनाना है तो यूटिलिटी बहुत ज़रूरी होता है यूटिलिटी यानी कि उसको प्रयोग करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए अगर हम अगर कोई भी चीज़ है अगर वो हमारे प्रयोग में आएगी ही नहीं तो वो रिसोर्स कैसे कहलाएगी कोई भी चीज़ है बच्चों वो वेस्ट है अगर हमारे लिए बेकार है जो उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते तो वो कैसे रिसोर्स होगा रिसोर्स तो होगा ही नहीं यूटिलिटी तो इसका आंसर नहीं होगा वैल्यू बिल्कुल बच्चों वैल्यू भी होनी चाहिए उसकी है ना अगर उसकी वैल्यू भी नहीं होगी कोई भी चीज़ हमारे पास है अगर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो ये बताओ क्या वो रिसोर्स का नहीं बनेगा तो इसका इसका आंसर ये भी नहीं है क्वांटिटी फर्क नहीं डालता बच्चों कितने भी क्वांटिटी क्यों ना हो किसी भी चीज की कितने भी क्वांटिटी क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो क्वांटिटी हमारे किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती है ठीक है अब आपके पास हजारों लाखों चीजें पड़ी हो लेकिन वो काम की ही ना हो तो रिसोर्स थोड़ी ना हो जाएंगे तो क्वांटिटी आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है इसका आंसर आप खुद बताएंगे और मुझे आंसर करके देंगे देखिए बच्चों कंप्लीट द स्टेटमेंट आप इन तीनों में से कंप्लीट कीजिएगा बायोटिक रिसोर्सेज आर कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं तीनों में से आप आंसर सेलेक्ट करके मुझे आप सेंड करेंगे फिर बच्चों देखिए डिफ्रेंसिएट बिटवीन द फॉलोइंग डिफरेंस बताना है आपको पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया है पीछे आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में क्या डिफरेंस है फिर आप भी

पानी के बिना बच्चों पर्ल हो गया स्वैन है या डफ जैसे एनिमल या बर्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो ये कहना क्या चाहता है इसमें क्या एक्टिविटी आपको करनी है दीज लाइन्स वर रिटन बाई द पोएट अब्दुल रहीम खान खाना ये कब लिखा गया था अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखा गया था जो कि अकबर के कोर्ट के एक दरबारी कवि थे ठीक है वाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज दैट पोएट रेफरिंग टू किस प्रकार के रिसोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर रहीम जी आपने हिंदी पढ़ा होगा आपने जब अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें इस चीज़ को पढ़ा होगा तो बच्चों आप बताइएगा किन दो रिसोर्स के बारे में बात की गई है किस प्रकार के रिसोर्स के बारे में बात की गई है क्या ये रेनोएबल रिसोर्स के बारे में बात की गई है क्या ये नॉन रिन्यूएबल क्या ये यूबिकटस है क्या ये लोकलाइज है क्या पोटेंशियल है या फिर एक्चुअल है किस टाइप के रिसोर्स की बात की गई है आप बताएंगे मुझे ठीक है बच्चों तो बस इतना ही है आपके लिए ये आप खुद से करेंगे एक्टिविटी आपको मैंने दे दिया है और दैट इज़ दैट इज़ इट फॉर टुडे हैव अ गुड डे हेट और बच्चों कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा मैं आपको डाउट को सॉल्व करूंगा एंड होमवर्क आपका भेजना बहुत जरूरी है बच्चों दो होमवर्क तीन होमवर्क मैंने जो आपको दिए हैं आप वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा लेकिन होमवर्क मुझे आप बच्चों टाइम से पहले ठीक है आपको टाइम में दे रहा हूँ फोर पी एम फोर पी एम से पहले सभी बच्चों का सभी बच्चों का होमवर्क आना बहुत ज़रूरी है जिस बच्चे का होमवर्क नहीं आएगा उसको बच्चों में यहाँ पर एबसेंट लगा दूंगा और फिर आपके एग्जाम में उसके मार्क्स कट जाएंगे आप याद रखिएगा आप मेरे हाथ में है मैं मार्क्स कट कर लूँगा आपका ओरल एग्ज़ाम भी इस बार ट्वेंटी मार्क्स का होगा जिनमें आपका होमवर्क ये बहुत डिपेंड करेगा अगर आप होमवर्क डेली बेसिस पर मुझे सेंड करते हैं तो मैं आपको नंबर यहाँ पर दूँगा वो ट्वेंटी अगर आप नहीं सेंड करते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट किए जाएंगे ठीक है यू हैव टू रिमेंबर डैट आप इस बात को याद रखें इसलिए आपका होमवर्क आना बहुत ज़रूरी है उसके अलावा जब आप होमवर्क सेंड कर देंगे चार बजे तक उसके बाद चार बजे के बाद मैं कैंपस एप्लीकेशन पे इसको डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इस चैप्टर को कम्प्लीट हो चुका है अगले चैप्टर पर हम लोग बढ़ेंगे फिर ठीक है सो हैव अ गुड डे हैड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू